हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, टीईटी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और आप सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं इस समय इस बात को लेकर विचलित होते हैं कि आखिर अंत समय में क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। मैं अवनीश बाजपाई, डायरेक्टर हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस एंड डायरेक्टर हिस्टोरिका इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज कानपुर, आपका स्वागत करता हूँ। इस अंतिम बेला में मेरा प्रयास है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गाइडेंस देने का, और इस समय वक्त है आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास का। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हुए हैं तो आपको प्रश्नों के अभ्यास के ऊपर इस समय ध्यान लगाना चाहिए। मैं इस वीडियो वेब सीरीज के माध्यम से आपके लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला आपको काफ़ी मदद करेगी। आप एक बार सिर्फ इस श्रृंखला के सभी प्रश्नों को गौर से देख लीजिए, आपको प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों को भी बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बगैर देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों की इस 1000 माला के प्रथम प्रश्न के पर। छात्रों चलिए आइए शुरुआत करते हैं टीटी परीक्षा के लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की इस श्रृंखला के पहले प्रश्न से। शुरुआत के कुछ प्रश्न जीव मंडल से संबंधित है, कौन सा जीव मंडल किस राज्य या शहर में स्थित है। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में ग्रेट निकोबार जीव मंडल कहाँ स्थित है। ये सवाल बहुत ही आसान है क्योंकि आपको यहाँ पर नाम में सवाल में ही समझ में आ जा रहा है ग्रेट निकोबार, इसका मतलब इसका जवाब होना चाहिए अंडमान निकोबार। तो भारत में ग्रेट निकोबार जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर, अंडमान निकोबार। दूसरा सवाल है भारत में सुंदरवन जीव मंडल सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन जीव मंडल कहां पर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है। चौथे सवाल पर आते हैं भारत में मानस जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत में जो मानस जीव मंडल है ये असम राज्य में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही एक और है काजीरंगा जीव मंडल जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं उत्तराखंड जीव मंडल कहां पर स्थित है, तो जवाब सी हो जाएगा, उत्तराखंड में ही स्थित होना चाहिए। नंदा देवी जीव मंडल ये अच्छा सवाल है, नंदा देवी जी मंडल उत्तराखंड में स्थित है, छठे सवाल का जवाब होगा डी उत्तराखंड। सातवें में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों के ट्राई पॉइंट यानी तीनों की सीमा पर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इन तीनों की सीमा पर पाया जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है डी स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन यानी नीलगिरी जीव मंडल। आठवें सवाल पर आते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा समुद्री जीव मंडल स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी नामक जीव मंडल है। ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमनू मध्य। जनरली स्टूडेंट्स पाक शब्द आने से पी ए एल के है, पाक शब्द आने से लोग पाकिस्तान जवाब कर देते हैं, नहीं आपको ध्यान रखना पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, जबकि यहां पर जो समुद्री जीव मंडल भारत श्रीलंका के बीच में दैट इज ग्रेट निकोबार जीव मंडल। नवा सवाल है भारत का थार मरुस्थल, थार मरुस्थल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये है भारत के राजस्थान में। भारत का लिटिल रन ऑफ कच्छ ये आपका है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ बहुत बड़ा जिला है और यहीं पर आपका गधों का अभ्यारण भी पाया जाता है। ग्यारहवां सवाल है भारत का काजीरंगा जीव मंडल, तो काजीरंगा जीव मंडल ये भारत के असम राज्य में। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा इन सवालों में किसी न किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और वो कहां पर है, काजीरंगा के बारे में ध्यान रखना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस। तो आइए एक और जीव मंडल की बात करते हैं कि भारत का नामदफा जीव मंडल कहां, ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो जवाब हो जाएगा ए। तेरहवें सवाल पर आते हैं भारत का सिमलीपाल जीव मंडल कहां पर है, तो सिमलीपाल ये हमारे उड़ीसा में है, उड़ीसा में जिस जगह पर है वो मयूरभंज है सिमलीपाल जीव मंडल। तो क्यों ना एक बार सभी को समराइज कर लिया जाए, तो आपको भारत ने यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त जीव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व उनको ध्यान रखना है। नौ आपका भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जीव मंडल है,
पहला आपका जीव मंडल जो कि मान्यता प्राप्त यूनिट के द्वारा वो है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु केरल कर्नाटक की सीमा पर है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी अभी बताया, भारत श्रीलंका के बीच में। और राज्य अगर भारत की बात की जाए तो सबसे नीचे यानी कहाँ? तमिलनाडु में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, नंदा देवी उत्तराखंड है, सिमली पार उड़ीसा है, नोकरेक ये मेघालय में, पंचमढ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मध्य प्रदेश में, अचान कमारिया अमरकंटक जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, पहले अभी छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, निकोबार द्वीप ये आपका अंडमान निकोबार में। तो ये कुल 9 जायमंडल क्षेत्र ऐसे जिनको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया। आइए और भी बात करते हैं, और कौन कौन से ऐसे जायमंडल हैं जो भारत की जो जीव मंडल है वो आपका कुल है 18, उनकी पूरी सूची यहां पर आपको दे रखी गई हुई है, इनको आपको कंटेस्ट कर लेना। इनमें नीलगिरी कर्नाटक केरल तमिलनाडु की सीमा पर भारत का ये पहला जयमंडल है और यूनेस्को ने भी सबसे पहले इसी को मान्यता प्रदान की। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में आएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मानस कहां पर? असम में है। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, सिमली पार उड़ीसा में, देहांग दिबांग अरुणाचल में, पंचमढ़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा या खगन डिजांग ये सिक्किम में, अचान कमार या अमरकंटक मध्य प्रदेश में था जब उससे छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो ये छत्तीसगढ़ में आ गया। रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रंग कहां है? गुजरात में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, और पन्ना सबसे अंतिम जय मंडल है हमारा का जो घोषित किया गया ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग अगले सवाल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, कई बार आपका इन जय मंडलों से गुजरने वाली नदियों के बारे में पूछा जाता रहता, तो मानस से गुजरने वाली नदी है मानस, आसान है, सेम नेम है। भितरकनिका जो कि जय मंडल है इससे गुजरने वाली नदी है ब्राह्मणी, वैतरणी और धमरा, ये तीन नदियों के मुहाने पर आपका भितरकनिका जय मंडल है। काजीरंगा से गुजर निकलती है ब्रह्मपुत्रा, काजीरंगा आपको पता है असम में, तो असम में नदी जो होगी ब्रह्मपुत्रा। कंचनजंगा से निकलने वाली नदी है तामूर, पन्ना से निकल पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में निकलने वाली नदी है केन, सिमली पार से निकलने वाली नदी का नाम है रामाथिरता, रणथंभौर से निकलने वाली नदी का नाम है बनास एवं चंबल, और पेरियार से निकलने वाली नदी का नाम है पेरियार। 14वां सवाल की बात करते हैं कि जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बफर जोन। जवाब हो जाएगा बी यानी उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, जहां पर मनुष्य पशुओं को चरा सकता है और कुछ छोटी हरकत छोटी छोटी क्रियाकलाप कर सकता है, तो ऐसे क्षेत्र को बफर जोन हिंदी में हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में कोई भी क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती जैसा कि 15वें सवाल में, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग केंद्रीय जोन कहते हैं यानी इसको कोर जोन कहा जाता है। तो इसमें जवाब हो जाएगा ए केंद्रीय जोन या कोर जोन इंग्लिश में। और जहां पर ढेर सारी क्रियाकलापों की अनुमति मिली हुई होती है उसको हम लोग हेरफेर क्षेत्र सी ऑप्शन यानी मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। तो ये तीनों को ध्यान रखना है, तीनों को आप एक साथ ऐसे याद रख सकते हो, केंद्रीय कोर जोन इसमें मानव के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र यानी बफर जोन इसमें मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है, और हेरफेर क्षेत्र इसमें अनेक मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। आइए प्रश्न नंबर संख्या 17 पर आते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। अगले सवाल पर आते हैं, ऐसा संग्रहालय जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे संग्रहालय को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। हर्बेरियम का अर्थ यानी पौधों के संग्रहालय से, म्यूजियम से। मैं आपको एक पिक दिखाता हूं, यहां देखिए आपको इस पिक में नजर आ रहा होगा कि पौधों को सुखा के उनको यहां पर पेश किया जा रहा है, इसको हम लोग आप कहते हैं हर्बेरियम। आते 19वें सवाल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? तो बॉटनिकल गार्डन ये आपका कलकत्ता में, आपने तमाम फिल्मों में इसको पीकू में देखा होगा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां है? कलकत्ता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अगला सवाल है 20वां, यानी वन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान ध्यान रखिएगा इनमें से देहरादून में है, जहां बहुत ढेर सारे वन है वहीं पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इस तरीके से एक हिंट ले सकते हो। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में है। तो 22वें सवाल पर आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका जवाब इसका होगा भोपाल। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM ये भी आपका भोपाल में है,
आईआईएम आपका अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, भोपाल में है, तो आईआईएम भोपाल में भी है, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो भी कहां पर है, भोपाल में है। अगले सवाल पर आते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ये आपके कलकत्ता में है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपका तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक लाइन में आपको इस तरीके से याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, पृथ्वी के चारों ओर जहां शैल मिट्टी जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है और जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, जहां पर जीव निवास करते चाहे वो जल हो थल हो, उस जगह को हम लोग कहते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो जल की मात्रा के अनुसार पर पौधे होते हैं तीन प्रकार के, एक जो पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं यानी जल की बहुत अधिकता, एक जहां पर एवरेज औसत रूप में जल पाया जाता है और एक जहां पर जल की उपलब्धता नहीं होती। तीन प्रकार के पौधे हैं, ऐसे पौधे जो कि जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहां जल बहुत होता है, जल संतृप्त अवस्था में होता है, सैचुरेटेड फॉर्म में जल होता है, ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं जलोद्भिद। तो 26 का जवाब हो जाएगा ए यानी जलोद्भिद। जलोद्भिद का डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल सिंघाड़ा हो सकता है, पूरी तरीके से आपको पता पानी में ही आपका डूबा रहता है। 27वां सवाल, ऐसे पौधे जो उन स्थानों में मिलते हैं जहां औसत जल संतृप्त होता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग सामोद्भिद कहते हैं यानी आंसर हो जाएगा बी। 28वां सवाल, अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाले पौधे, जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है ऐसे पौधों को हम लोग आपका कहते हैं हाइग्रोफाइट। तो हाइग्रोफाइट, हाइग्रो शब्द से ही समझिए कि आर्द्रता जहां ज्यादा होती है, उन शब्द के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आर्द्रता नापने के लिए। तो जहां ज्यादा आर्द्रता होती है यानी वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर उगने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं, और जहां पर बहुत कम पानी होता है, पानी ना के बराबर होता है, ऐसी जगह पर उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लवणोद्भिद, जहां पर बहुत कम पानी है। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, ये पूछा जा रहा है, इस कथन को किसने दिया हुआ है। तो पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए। मानव पर्यावरण को दूषित करता है, पर्यावरण को दूषित करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रदूषण कहते हैं, और प्रदूषण को आपका जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जो है मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, इस कथन को आपका कहा हुआ है रेटर ने। रेटर आपका ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, सन 1868 में आपका इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इन्हीं के आपका देश के यानी जर्मनी के आपका जर्म जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने 1869 जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो इकोलॉजी शब्द के लिए आपका आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इकोलॉजी सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मैं आपको एक टेबल के जरिए इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, कि पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, ये किसने कहा हुआ, पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान, ये इसका जवाब होगा ईपी ओडुम। और एक और सवाल यहाँ पर है, पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी, इकोसिस्टम सबसे पहले आपका इस कॉन्सेप्ट किसने दिया, एजी टेंसले ने। तो यहां पर तीन सवाल आपको याद रखने, इकोलॉजी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान रेटर ने बताया, पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान ईपी ओडुम ने, और इकोलॉजी की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी, एजी टेंसले। आइए इनको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। यहां पर इकोलॉजी जो शब्द है वो जर्मन भाषा से लिया गया, जर्मन भाषा में ये इकोलॉजी, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैकेल ने किया 1869 में। तो जो टर्म है, द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट हैकेल बट यूज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट रेटर इन 1868। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जवाब में हैकेल ना मिले तो आपका जवाब रेटर होगा, अदरवाइज आपका जवाब हैकेल रहेगा। जबकि इकोलॉजी सिस्टम शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग एजी टेंसलर ने किया 1935 में। इकोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों सहित वातावरण जलवायु एवं मृदा का प्रभाव, जीवों की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है।
एपी उडिन जिनको अभी आपको मैंने बताया, इनको कहा जाता है, इनकी किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, और इन्हें आपका फादर ऑफ इकोसिस्टम या फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, और इन्होंने इसको एक विज्ञान का भाग बताया था। थियोस्फकस, इनको ग्रैंडफादर ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहा जाता है, यानी विश्व के सर्वप्रथम आपका पारिस्थितिकी एवं वातावरण का पितामह किसको माना जाता है, थियोस्फकस को। तो आपको कुछ नाम याद रखना है, रेटर सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इकोलॉजी जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय हैकल, एजी टेंसले इकोलॉजी सिस्टम, एपी ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी, थियोस्फकस ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी। इस पूरी पर्टिकुलर टेबल से आपको पूरी सारी चीजें उम्मीदें क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अगले प्रश्न यानी 32वें पर, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से दो भाग है। तो इकोलॉजी सिस्टम के दो भाग हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। तो जैविक और अजैविक घटक यानी आंसर हो जाएगा बी। आइए इसको भी देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना आपको यहां पर नजर आ रही है, इसके घटक दो तरीके के हैं, जैविक और अजैविक घटक। जो जैविक घटक है आप इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अब यहां पर उपभोक्ताओं, उत्पादक कौन है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों के जरिए ऊर्जा ग्रहित करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को आपका यूं खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। इसी तरीके अजैविक घटकों को भी आप कार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों में और भौतिक पदार्थों में बांट सकते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये अजैविक घटक है, अजैविक में भी ना ये कार्बनिक है ना कार्बनिक है, ये कैसा है, भौतिक तत्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आते हैं 33वें सवाल पर, इकोलॉजी सिस्टम में किसकी निरंतर आवश्यकता होती, पूरा संघर्ष खाने को लेकर यानी ऊर्जा को लेकर। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा निरंतर आवश्यकता होती किसकी, ऊर्जा की। तो जवाब हो जाएगा 33वें में ए। 34वें सवाल पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्यों है, अगेन आपका जवाब यहां पर डी हो जाएगा, पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा प्रवाह। साइकिल जो है एक जो पदार्थों का है, जिसमें कोई भी पदार्थ आपका आता है, जन्म लेता है और उसके बाद आपका उसको ना डीकम्पोज करते हैं, ये सारी चीजें आपका यहां पर आती हैं। अगले सवाल 35वें पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो जो समुद्र है डी ऑप्शन, यानी विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। 36वें सवाल पर आते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र, जो हम ऊर्जा ग्रहित करते हैं उस ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र कौन सा है, ये सूर्य का प्रकाश है। तो डियर स्टूडेंट, पर परितंत्र में मानव क्या है, मानव शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक उपभोक्ता यानी उत्पादकों को जो ग्रहित करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, वो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने आहार के रूप में लेने वाले द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जबकि मनुष्य या फिर जो आपका सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। और इनको आपका जो सर्वाहारी होते हैं इनको सबसे अच्छी न्यूट्रिशंस और विटामिन प्रकृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 38 की, घरों में जो साज सज्जा के लिए रखा गया कृत्रिम पारितंत्र है उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है घरों में एक्वेरियम रखा रहता है जिसमें मछलियां और उसके अलावा तमाम वनस्पतियां वगैरह सब मिलती हैं, वो किसका एग्जांपल है, कृत्रिम पारितंत्र का, यानी ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे पारितंत्र, अगेन यहाँ पर एग्जाम आपका जवाब हो जाएगा एक्वेरियम, ये छोटे छोटे पारितंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है। 40वां सवाल है, सबसे ज्यादा स्थायी पारितंत्र कौन सा है, जो सागर महासागर है इनका इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है, और अगर बात की जाए अस्थायी की तो इसका भी सवाल आगे मिलेगा। पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब बताया जा चुका, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो 41 नंबर सवाल का जवाब होगा शाकाहारी। 42 नंबर पर आते हैं कि पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते क्या कहलाता है, आपको ये पता है जीवमंडल कहलाता है, जहां पर भी जीवधारी रहते हैं उसको हम लोग जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। पारितंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको मिलता है, इसका भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, सर्वाहारी जो होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं उनका उच्चतम पोषण स्तर होता है। आगे अगला सवाल, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा है,
तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे फसल पारितंत्र यहाँ पर ऑप्शन है, ये मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा हम जो बस स्टेशन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं, ये सभी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 नंबर सवाल, पारितंत्र में बाज कैसा उपभोक्ता है? तो आपको पता है बाज एक सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो जवाब हो जाएगा 45 में डी। अगले सवाल 46 में आते हैं, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं? तो मानसून, आपको पता है मानसून सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला एलिमेंट है, मानसूनी वायुओं को सबसे ज्यादा विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, क्योंकि कभी भी मौसम संबंधी घटनाएं लगातार ना बदलती रहती हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? जो ऊर्जा है वो एक दिशी या दोनों तरफ से, तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, ये किसी भी खाद्य श्रृंखला में पाई जाती है, जो हमेशा आपका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। घास स्थली पारितंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा होता? जब किसी घास स्थली पारितंत्र की बात करते हैं तो उसका पिरामिड सीधा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस सवाल का जवाब। अगला सवाल भी देख लेते हैं, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। हम बात कर लेते हैं इन दोनों सवालों के ऊपर, पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड, पिरामिड क्या है, अवधारणा किसने दी और कितने तरीके के पिरामिड होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पिरामिड है इसका संकल्पना सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1947-27 में, नाम देखे एल्टन, और इन्हीं के नाम से इन पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स कहा जाता है। और ये पिरामिड तीन तरीके के होते हैं, जिनको आपका सामान्यतः जंतुओं की संख्या यानी नंबर्स के ऊपर, जैवभार यानी बायोमास के ऊपर, और ऊर्जा, इन तीन आधार पर बनाया जा रहा है। तीन तरीके के पिरामिड है, संख्या पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अब कौन किस तरीके का बनता, कौन सीधा बनता, कौन उल्टा, इस चीज को समझिए। जब हम बात करते हैं जैव भार के पिरामिड की, तो आपके सामने यहां पर देखिए जैव भार के दो पिरामिड, एक अपराइट एक इन्वर्टेड, एक यानी सीधा और एक उल्टा। तो जो पहला पिरामिड जो आपको सीधा नजर आ रहा है, यह सीधा पिरामिड आपका किसका है, किसी भी घास स्थली या पारितंत्र का। चूंकि इसमें घास स्थली पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और जो उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। संख्या तो कम होती ही होती है, साथ में उनका जयभार भी क्या होता है, कम होता है। सबसे अधिक जो जयभार होता है वो, चूंकि उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनका जयभार अधिक होता है। और इस वजह से जो ऐसे पारितंत्र हैं जिनमें अगर हम जयभार की बात कर रहे हैं, जैसे किसी घास स्थली, राइट, किसी घास स्थली पारितंत्र में अगर, या किसी भी वन की बात करें, तो वहां पर जो बायोमास होगा वो बायोमास वाला पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन अगर हम आपका किसी एक्वाटिक सिस्टम में, किसी तालाब के पारितंत्र की बात करें, तो तालाब के पारितंत्र में प्रोड्यूसर्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन उनके ज्यादा होने के बावजूद इनका भार कम होता है, क्योंकि जो आपके टॉप आपका कॉर्निवोरस होते हैं यानी सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और इनका भार बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से तालाब का जो पिरामिड होगा जैव भार का, वो उल्टा होगा। लेकिन किसी घास स्थली पारितंत्र की बात करें, तो जैव भार के आधार पर उसका पिरामिड सीधा होगा। अगला बात करते हैं, ये संख्या के आधार पर पिरामिड है, ये पहला वाला पिरामिड बट नेचुरल है। जब ग्रॉसलैंड की बात करेंगे घास स्थली पिरामिड तंत्र की, तो उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा, इस वजह से आपका नीचे का बेस बड़ा और ये पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन अगर किसी वृक्ष की बात की जाए, वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ध्यान दीजिए यहां पर वृक्ष की संख्या एक ही है, जबकि उस पर आपका जो हर्बीवोरस यानी चिड़िया और कीट वगैरह है, उसके अलावा आपका जो परजीवी है, सहजीवी है, इनकी संख्या आपका लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो नीचे संख्या सबसे कम, वृक्ष एक अकेला, उसके ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा, इस वजह से ये पिरामिड कैसा है, उल्टा। तो यानी जयभार का पिरामिड सीधा भी बनता, उल्टा भी बनता, संख्या का पिरामिड भी सीधा भी बनता, उल्टा भी बनता, बस आपको देखना कि किस तरीके की कंडीशन है। लेकिन संख्या के बाद अगर हम बात करें ऊर्जा की पिरामिड की, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता। जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा बनता है। उसका कारण क्या है, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बात करते हैं,
तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत उत्पादकों को पड़ती है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ग्रहित करते हैं वो उत्पादक करते हैं, और ये ऊर्जा वो अपने ऊपर के पोषण स्तर में ले जाते हैं तो ऊर्जा का लॉस होता है। यहीं पर ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका लागू होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और जब आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। और यहीं पर आपका लिंडमान का नियम आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिंडमान का रूल है आपका 90:10 का। जब आप किसी भी आपका ऊर्जा सिस्टम में जब ऊपर के पोषण स्तर को ऊर्जा प्रदान करते तो 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। 90% ऊर्जा व्यर्थ होती है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। क्या देख सकते हैं, हरे पौधे अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे तो वो सिर्फ आगे शाकाहारियों को 100 कैलोरी मिल रही, यानी सिर्फ 10%। छोटे मांसाहारियों को 100 का 10% यानी 10 मिला, और जो बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता उनको 1 कैलोरी। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी कि पिरामिड कौन से केस में कैसा बनना। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, संख्या के पिरामिड सीधे उल्टे बनते हैं, जबकि जयभार के पिरामिड भी सीधे और उल्टे दोनों तरीके के बनते हैं। आते हैं 50वें सवाल पर। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? चूंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आपको सीधा यहां पर जवाब देना, जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या वो कौन सी, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है वो क्या है? मैंने फिर बोला, आप टीटी की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको एज अ सब्जेक्ट टैकल करना है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस को, तो यहां पर भी आप जवाब देंगे पर्यावरण शिक्षा। 52वां नंबर सवाल आता है, किसी भी इकोलॉजी सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए जितना भूभाग उपलब्ध है उसमें कितने प्रतिशत भाग में कम से कम वन संरक्षित रखने की अनुशंसा की गई, यानी कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/3 क्षेत्रफल के ऊपर कम से कम वन होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर जवाब हो जाना चाहिए 33%, सी ऑप्शन। 53वां नंबर सवाल पर आते हैं, कौन से जंतु प्रकृति में हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते? तो जो पक्षी हैं और जो सरीसृप जंतु, ये इनको खा के इन पर नियंत्रण रखते हैं, तो जवाब होगा बी। 54वां में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। 55 में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कैसा होता है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता सर्वाहारी यानी ओमनिवर्स होता है। 56 पूछा, जल क्या है? जल एक यौगिक यानी कंपाउंड है। जल का फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपका यहाँ पर होते हैं ना, दोनों का आपका एक यौगिक है। दोनों दो या दो से ज़्यादा जब आपका मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको आपका आप कंपाउंड यानी यौगिक है, तो जल एक क्या है, यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र आपको ऑलरेडी पता है, H2O है। 58 पर आते, पृथ्वी का कितना भाग लगभग जल से आच्छादित? तो 2/3 से ज्यादा यानी 66% से ज्यादा, यानी जवाब यहाँ पर हो जाएगा 71% भाग जो है जल से आच्छादित है। अगला सवाल आता है 59, इनमें से जलीय पौधा कौन सा है? जो जलीय पौधा है इनमें से हाइड्रिला है, हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। जल का गैसी रूप क्या कहलाता है? ये सवाल नंबर है 60। जल जब वाष्प के रूप में बदल जाती है जल वाष्प कहलाती, जो कि जल का गैसी रूप है। 61 है, जल का धरातली स्रोत क्या है? जल जो धरातली स्रोत है वो है आपका नदियां, नदियां आपका जल का धरातली स्रोत है। समुद्र का जल कैसा होता है? आपको पता है समुद्र का जल खारा होता है, सॉल्टेड वाटर होता है, तो 62 का सही जवाब होगा डी। 63 में पूछा, प्रकृति में जल का पुनः चक्रण साइकिल रिसाइकिल कैसे होता है पानी? तो आपको पता है वर्षा के द्वारा पहले भाप बनती, जल वाष्प बनती, और वो वर्षा के द्वारा जल का पुनः चक्रण होता है। 64 सवाल पर आते, नमक किस प्रकार के जल से बनाया जाता है? तो समुद्री जल, उससे नमक बनाया जाता है, आपको पता है। 65 आते हैं, शुद्ध जल की विद्युत चालकता कैसी होती है? ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल की विद्युत चालकता कम होती, जितना अशुद्ध जल होगा उसमें विद्युत चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर आप शुद्ध जल में खड़े हुए हो आपको करंट नहीं लगेगा, लगने के आसार कम होंगे, लेकिन अशुद्ध पानी में करंट ज्यादा तेजी से दौड़ेगा क्योंकि उसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। 66वां नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जमने के बाद जल का घनत्व क्या हो जाता है? दो टर्म्स है यहां पर, घनत्व और आयतन। घनत्व यानी डेंसिटी, आयतन यानी वैल्यूम। तो जब जमता है जल तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रीज होने पर, जैसे आपने मान लिया बर्फ को जमाना है, आपने एक बाउल यानी कटोरी में पूरा लेवल तक ऊपर तक पानी भर लिया और उसको फ्रीजर में रखा, जब वो जमता है यानी फ्रीज हो गया तो उसकी डेंसिटी तो कम होती, लेकिन वो चूंकि आपने देखा होगा बर्फ बाहर निकल जाती है
पानी का लेवल आपने ऊपर तक रखा था लेकिन बर्फ ज्यादा आपको जमी हुई ऊपर तक मिलेगी, वो उसका आयतन है। तो जमने पर जो जल है उसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, जबकि उसका जो वैल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही आपका डेंसिटी का मास अपॉन वैल्यूम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, घनत्व कम होगा जमने पर जल का, लेकिन जो आयतन है वो बढ़ता है। 67 है, शुद्ध जल कैसा होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध जल का? वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, इसी वजह से आपका जीरो टीडीएस वाला जल है ये। जल का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है इसका। जल उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो आपको पता 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 69 का 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी डी आंसर होगा। 70 में पूछा हुआ, पौधे किस क्रिया में जल वाष्प को बाहर निकालते हैं? तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन प्रोसेस में जो वाटर वेपर है उसको बाहर निकालते हैं। 71, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल? आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है उसमें 40% भाग लगभग जल होता है। बॉडी में जो ब्लड है उसका ऑलमोस्ट 40% भाग जल होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल कितना होता है? आपकी ब्लड में 40% वाटर है, लेकिन आपकी बॉडी में ओवरऑल जल 2/3 से ज्यादा होता है। तो इसका सही जवाब आपका कितना होगा? इसका सही जवाब डियर स्टूडेंट्स आपका होना चाहिए 65%। इसमें आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, जो 25% है इसको आपको 65% कर लेना रहेगा। तो जो मानव शरीर में जल है वो 2/3 होता है, तो आपको यहां पर एक चेंज करना है, दैट इज 66% जल होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर, शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती तो इसको क्या कहते हैं? शरीर में पानी की कमी होने पर इसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का अर्थ होगा शरीर में पानी की कमी हो जाना। पानी शुद्ध किससे किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग जल में क्या मिलाते हैं? हम लोग क्लोरीन मिला देते हैं। क्लोरीन मिलाने से होता है क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं पानी में वो मर जाते हैं, और बैक्टीरिया के मरने से पानी शुद्ध हो जाता है। जो जल स्रोत है उनमें क्या डाला जाता है जल को शुद्ध करने के लिए? तालाब वगैरह, कुएं, इनमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, जिसको लाल दवा भी आप कहते हैं। ये लाल दवा करती क्या है आपका, ये आपके तमाम तरीके के जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोकती है। उसके अलावा जो मैग्नीज और आयरन, इनके जो डिजॉल्व होते हैं जो जल में, उसको ये फिल्टर करने मदद करते, क्योंकि उसको ये आपका उसके पार्टिकल्स को सल्फाइड में चेंज कर देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, जिससे कि उनको फिल्टर करना आसान होता है। जल स्रोतों में हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जिसको आप लाल दवा भी कहते हो। जली जमीन के लिए ऑक्सीजन की कमी क्या है? जब जली जीवन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, किसी तालाब या नदी में ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो इसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। किस जल के साथ साबुन के झाग ज्यादा बनते हैं? तो जितना अच्छा शुद्ध जल होगा यानी मृदु जल है, उसके साथ साबुन के झाग उतने ही ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है 78, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को कहते हैं। एक कोशिकीय प्राणी इनमें से कौन सा है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस यानी डी ऑप्शन मानव का वैज्ञानिक नाम है। सबसे सरल बहुकोशिक जंतु कौन सा है? सबसे सरल बहुकोशिक जंतु स्पंज है। जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो ये आपको पता, सेल यानी कोशिका सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जल और जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? इनको उभयचर कहते हैं यानी एम्फीबियन। अगला सवाल आता है, इनमें से नभचर स्तनधारी कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है चमगादड़ एक नभचर स्तनधारी है। कंगारू कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? इनमें से शुतुरमुर्ग ऐसा है जो कि मैमल वर्ग यानी स्तन वर्ग में नहीं आता है, ये अंडे देता है शुतुरमुर्ग। आर्थ्रोपोडा का लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा के लक्षण होते हैं इनकी टांगे हमेशा जोड़ी में होती हैं, तो जोड़ीदार टांगे आर्थ्रोपोडा ग्रुप के का एक लक्षण है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी जो होते हैं वो केंद्रक विहीन किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में आपका केंद्रक विहीन होते हैं, सेंटर में नहीं पाया जाता। कौन सा जीव किसानों का मित्र कहलाता है? बहुत आसान सा सवाल, केचुआ जवाब हो जाएगा, किसानों का मित्र कहलाता है। ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी की सॉयल जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि ये लगातार धीरे धीरे ना मिट्टी के अंदर उसको खोदा करते हैं।
कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांड्रिया है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इनमें कैसे को कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है रेपलेशिया, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है रेपलेशिया, और संसार का सबसे लंबा पुष्प भी आपका रेपलेशिया ही है। अब आपको ये ध्यान देना है सबसे बड़ा पुष्प और सबसे लंबा पुष्प रेपलेशिया। आप देखिए आपके पास यहां पर स्क्रीन पर दो तरफ आपको लेफ्ट और राइट ये एक ही पुष्प है, इसका जो लाल वाला हिस्सा ये आपको लेफ्ट में दिखाया जा रहा है। ये लगभग 3 फीट से भी ज्यादा ऊंचा पौधा होता है रेपलेशिया, इसका व्यास भी 3 फीट से ज्यादा होता है। इसमें आपका मरे हुए जानवर की जैसी महक या मीट जैसी मांस की सड़े हुए मांस जैसी महक आती है, ये पौधा पाया जाता है, ये पुष्प पाया जाता है इंडोनेशिया में। अगला सवाल आते हैं सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष है। इसी का यहां पर अगला सवाल है किस वृक्ष का पर्यावरण विद सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं? यूकेलिप्टस का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसको आपका प्रकृति का आतंकवादी भी कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका भूमि की उर्वरता को घटाने का काम यही कर रहा है, जल बहुत ज्यादा ग्रहण करता है और इस वजह से इसको सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष कैसे होते हैं? लवणोद्भिद होते, क्योंकि वहां पर लवण की मात्रा ज्यादा होती है। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कैसे होते हैं? शुष्क वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं वो मरुद्भिद होते हैं, क्योंकि मरुस्थल आपको पता है। अब सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा? इनमें विक्टोरिया रिजिया जो पौधा है ये सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। कॉफी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कॉफी जो है वो पाई जाती है कोफिया अरेबिका नाम के पौधे से। अब ये कोफिया अरेबिका नाम के पौधे जनरली आपका ब्राजील का पहला स्थान है कॉफी में, भारत में कर्नाटक सबसे ज्यादा बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जबकि चाय के मामले में असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे विश्व प्रसिद्ध जो चाय मिलती है वो दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में, जहां दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, ये सबसे अच्छी क्वालिटी चाय भारत में उगाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला फेज पहला पार्ट है। वीडियो कैसा लगा इसको, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। उसके अलावा आपको अगले पार्ट सेम जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें, आपको इस वीडियो के अगले पार्ट मिलेंगे जो कि कुल मिला के आपको 1000 प्रश्नों तक ले जाएंगे। इसके अलावा एक पूरा का पूरा 1000 प्रश्नों का वीडियो भी अवेलेबल है, आप पार्ट में भी देख सकते हैं और इसको पूरा एक साथ देख सकते हैं। तो आप उम्मीद है आपको ये प्रश्न आने वाले टीटी परीक्षा में काफी मदद करेंगे।